जिनको नाभि की समस्या होती है, ऐसे पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दवाइयां खाते हैं लेकिन दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिल रहा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक तो नाभि कैसे चेक करें ये सिखाने वाला हूं, दूसरा अगर आपने पाया कि नाभि हटी हुई है तो खुद कैसे हम नाभि को ठीक कर सकते हैं। देखते हैं, ये हमारी नाभि है। नाभि हटना, नाभि डिगना, गोला बनना, अलग अलग नामों से जानते हैं। नाभि के सेंटर में कहें कि नाभि से बहुत सारी नाड़ियां निकल रही हैं। कहा जाता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकल रही होती है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा रही होती है। यानी कि नाभि में नाड़ी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना ही नाभि हटना, नाभि खिसकने की दिक्कत है। इसको चेक करने का तरीका, सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और नाभि के सेंटर में इस प्रकार से रखना है। जब हम इस प्रकार से रखते हैं, जिस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक होती है, एक्यूरेट अपनी जगह पर होती है, तो हमें एक धक धक ऐसी आवाज सुनाई देती है। वो अगर हाथ लगाने से ही सुनाई दे रही है, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार नाभि की आवाज कोई हमें सुनाई नहीं देती, कई बार नाभि नीचे चली जाती है। अगर हमें ऐसे हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि नाभि नीचे गई है। दोस्तों, जिनको भी नाभि नीचे की ओर जाई होती है, उनकी नाभि नीचे खिसक गई होती है, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि बहुत ज्यादा दस्त होते हैं। यानी कि बार बार उसको दस्त जाना पड़ता है, पानी जैसा उसका मोशन होता है। दिन में पेशेंट बताएगा कि उसे 20 बार 25 बार तक मोशन जाना पड़ता है। वो जब भी खाना खाता है, खाने के तुरंत बाद उसको मोशन जाने की इच्छा होती है। जिन पेशेंट्स की ऊपर की ओर नाभि चढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों को कब्ज होता है। उनके पेट में मरोड़, ऐंठन, दर्द, ब्लोटिंग, मुंह में खट्टा पानी आना, बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को दाएं बाएं नाभि सरक गई होती है, ऐसे पेशेंट्स को पेट में दर्द होता है, ऐसा देखा जाता है। जब हमने चेक कर लिया कि हमारी नाभि हटी हुई है तो हम कैसे खुद ठीक कर सकते हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं। जब हमने चेक कर लिया और हमने ये देखा कि हमारी नाभि हटी हुई है, तो कई बार व्यक्ति जिसको दिक्कत है उसके आसपास कोई नहीं होता, कोई नाभि सेट करने वाला नहीं होता। पहले तो बहुत लोग मिल जाते थे, बुजुर्ग लोग खासकर होते थे जो नाभि को सेट करते थे, लेकिन आज ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं जो नाभि को ठीक करना जानते हैं। तो व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है कि खुद कैसे ठीक करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि जिनको अकेले रहते हैं, जिनको बार बार नाभि हट जाती है, तो वो खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं। देखेंगे, उल्टा लेटना है और चेस्ट के नीचे एक तकिया इस प्रकार से लगाना है, फिर एक एक करके पैर को मोड़ना है और हिप से लगाने का प्रयास करना है। देखेंगे, वेरी गुड। इस प्रकार से थोड़ा सा आगे उठना है, हाथ का प्रेशर इस प्रकार से रहना है, हाथ दोनों सीधे, गर्दन थोड़ी उठी हुई हो और पैरों की मूवमेंट इस प्रकार से करानी है। एक पैर को थोड़ा सा प्रेशर के साथ हिप से लगाने का प्रयास करना है। करिए ऐसा, आप 30 से 40 बार शुरू में कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट आप ये करें, इस प्रकार से करना है। ये करने के बाद अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और हिप से लगाने का प्रयास। आगे से गर्दन उठी रहेगी, हाथों पे प्रेशर रहेगा। जब हम ये क्रिया करते हैं तो महसूस होता है कि जो हमारी नाभि अपनी जगह से हटी हुई थी, वो करते के साथ ही वहां पर एक सर्कुलेशन जैसा महसूस होता है और फीलिंग आएगी कि नाभि अपनी जगह पर आ रही है, वो अपनी जगह पर सेट हो रही है। ये भी आप 30 से 40 बार कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट लगने वाली है इसमें। बहुत जबरदस्त ये क्रिया है, इस प्रकार से करना है। बहुत अच्छे प्रकार से ये आपको करके दिखा रहे हैं। दोनों एड़ी हिप से लगने लगे, इस तरह का हमें प्रयास बार बार करते रहना है। दोनों पैर को नीचे कर लेना है, अभी रिलैक्स होकर लेट जाना है और अभी जो पैरों का निचला हिस्सा यानी कि हिप से नीचे वाले हिस्से को हमें हिलाने का प्रयास करना है। देखेंगे, इस प्रकार से मूव करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो नाभि से नीचे वाला हिस्सा है वो मूवमेंट कर रहे हैं। जब हम ये क्रिया करते हैं तो नाभि की समस्या जिनको रहती है, वहां सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, नाभि बार बार हट जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया, जबरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये भी आपको 30 से 40 बार तक करना है। लगभग ये 8 से 10 मिनट का प्रोसेस रहता है। इस प्रकार से आपको करना है, जबरदस्त ये कुछ क्रियाएं। नाभि की समस्या को हम
अपने अंगूठे के पास ये वाला जो खाली स्थान है यहाँ दबाकर भी ठीक कर सकते हैं। देखेंगे कैसे करना है। ये वाला जो खाली स्थान है यहाँ हमें दबाना छोड़ना है, इस प्रकार इसको आप इस प्रकार से घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं या दबा कर छोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार से करते तो भी अच्छे, और ऐसे दबाते छोड़ते जब भी इसके रिजल्ट आपको पूरे ही मिलने वाले हैं। इसको दबाना छोड़ना, इसको दबाना छोड़ना, इसको भी हम 30 से 40 बार कर सकते हैं। दोनों हाथों में ये पॉइंट हमें करना होगा, खुद भी कर सकते हैं। इस वाले हाथ से इस वाले हाथ तक किया, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ तक किया, बहुत जबरदस्त ये क्रिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारी नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाएगी, फिर कभी हिलती नहीं है। ऐसे ही हम पैर के एंकल के पास भी पॉइंट करके देखते हैं। ये पैर का जो वाला हिस्सा है जिसे हम एंकल बोलते हैं, हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है। पाउडर नहीं है कई बार तो थोड़ा सा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अंगूठा है वो आराम से वहां स्लिप हो सके और पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। देखेंगे इसके बाद इसके चारों तरफ हमें इस प्रकार से ये मूव करना है। ऐसे घिसके भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे, कई बार इधर कुछ पेशेंट्स के बाल होते हैं तो खींचते हैं, तो इस प्रकार से आप उसको दबाकर छोड़ सकते हैं। दबाकर छोड़ इस प्रकार से आपको ये करना है। ऐसा आपको 30 से 40 बार करना है, खुद भी कर सकते हैं। ये पॉइंट ऐसे हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे सिखाए हैं जो हम सेल्फ भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ दबाना छोड़ देखेंगे अच्छे प्रकार से। प्रेशर रहे इस पे, थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। ऐसे ही अंगूठे से कर सकते हैं, उंगली से कर सकते हैं, दबाकर छोड़ सकते हैं, इसको इस प्रकार से मूव कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। वहां पर थोड़ा प्रेशर जरूर रहे इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनको नाभि अपनी जगह से हटी होती है, नाभि की समस्या होती है, उनको काफ मसल पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ से कुछ नाड़ियां होती हैं जो नाभि से आ रही होती है, जब हम ये इस प्रकार से करते हैं तो नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाती है। उसके बाद फिर पेशेंट को हम कुर्सी पर बैठे, पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है, और पैरों की काफ मसल पर, ये जो काफ मसल होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, जिससे कि हम ये करें तो बाल वगैरह ना खींचे और हमारा हाथ स्मूथली वहां स्लिप हो सके। इस प्रकार से पैर को रखना है और अपने पैरों से इस प्रकार से पैर को फंसा लेना है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो इस प्रकार से आप पैर को रोक सकते हैं, जिससे कि पैर स्लिप ना हो, और अपने हाथों की मदद से हमें काफ मसल पर इस प्रकार से रब करना है, ऊपर से नीचे की ओर 10 से 12 बार इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरे पैर को देखिए 10 से 12 बार, थोड़ा प्रेशर रहेगा। जिसको नाभि की दिक्कत होती है, नाभि बार बार घट जाती है, तो उसको यहाँ पर बहुत पेन भी होगा शुरू में, लेकिन हम जब ये रेगुलर रूप से करेंगे तो पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा और नाभि की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। बहुत इफेक्टिव ये पॉइंट है, आप ट्राई करके जरूर देखें, और नाभि की समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।